Hello everyone, welcome to our YouTube channel Homeopathy and yes, Samriddhi Sharma is here to guide you and today we are going to discuss a most important medicine for the spasmodic and the whooping cough that is Corallium Rubrum. So Corallium Rubrum जो दवाई है इसमें कैसा कफ है इसकी आवाज मैं आपको इस वीडियो में सुनाने वाली हूँ और आप ताकि डिफ्रेंशिएट भी कर सकें कि इसकी आवाज कैसी होती है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको वूपिंग कफ आज तक उन्होंने सुन नहीं रखा है कि वूपिंग कफ होता कैसा है या उसकी कैसी आवाज है जो हमको सुनाई देगी. तो इस वीडियो में मैं आपको वूपिंग कफ की आवाज भी सुनाने वाली हूँ कि इस तरीके का होता है और अगर कोई कफ है जिसमें वूपिंग नहीं है तो उसकी भी आवाज मैं आपको इसमें सुनाने वाली हूँ कि वो कफ फिर कैसा होगा. तो ये जो दोनों आवाजें हैं इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ तो इस वीडियो को आपको शुरू से लास्ट तक देखना है. अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सबको मिल सकें. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि सबसे पहले मैं आपको आवाज सुना देती हूँ कि वूपिंग कफ की आवाज कैसी होती है. तो ये आवाज सुनिए. अब आप सुनिए कि अगर कफ है जिसमें वूपिंग नहीं है तो वो कैसा होगा. तो ये आवाज आप सुनिए. अब आपने ये दोनों आवाजें सुन ली कि वूपिंग कफ कैसा होगा और नॉन वूपिंग कफ कैसा होगा. तो सिंपल डेफिनेशन अगर वूपिंग कफ के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या होता है, बच्चा बहुत जोर से खांसता है और जोर से खांसने के साथ वो सांस नहीं ले पाता, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी के साथ सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो वो है वूपिंग कफ. तो आप एक बार और इस आवाज को सुन लीजिए ताकि मैं आपको आगे बता सकूं. सो हियर्स द वॉइस ऑफ द वूपिंग कफ. And this is the voice of non-whooping cough. तो इसमें क्या होगा कि मरीज को, जो बच्चा है, बच्चों की काफी अच्छी दवाई है, तो इसमें क्या होता है, क्योंकि वूपिंग कफ जो है स्पेशली ये बच्चों को होता है, तो इसमें क्या होता है कि पेरोक्सियम जो है वो इतने जल्दी जल्दी आते हैं कि वो एक दूसरे में फॉलो कर जाते हैं, एक दूसरे में मर्ज कर जाते हैं. इतने तेज पेरोक्सियम आते हैं, इतने जल्दी पेरोक्सियम आ रहे हैं, तो मरीज को क्या होगा, बहुत जोर जोर से खांसेगा या खांसेगी, क्योंकि वो बच्चा बहुत तेज खांसेगा और उसके साथ उसको क्या होगा, हीमोपेटाइसिस हो जाएगा, खून आ जाएगा स्पूटम में. और क्या होगा कि जब आप देखें, कंजेशन देखने को मिलेगा फेस का, जो पर्पल कलर है फेस का वो देखने को मिलेगा और दम घुटने लगेगा बच्चे का, मरीज का दम घुटने लग जाता है और बहुत थकान हो जाती है. तो ये जो सिम्टम है ये है वूपिंग कफ के काफी अच्छे सिम्टम. अब इसमें क्या होता है कि जो गला है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है टू द कोल्ड एयर, और ठंडी हवा को इतना सेंसिटिव होता है कि अगर ये मरीज एयर को इंस्पायर भी करेगा तो इसको यहाँ पे ठंडक महसूस होगी. फील्स कोल्ड ऑन द डीप इंस्पायरेशन, दैट इज अ लाइन रिटन. और साथ में क्या होगा कि पोस्ट नेजल ड्रिपिंग भी होती है इसमें, जो म्यूकस है दैट ड्रॉप्स इन द पोस्टीरियर नेयर्स. और इसमें जो यहाँ पे इतना इसको देखेंगे आप कि म्यूकस, क्योंकि पोस्ट नेजल ड्रिपिंग हो रही है तो म्यूकस सारा यहाँ आ जाएगा. अब वो म्यूकस बाहर निकलने को उसको जगह चाहिए, तो क्या करेगा, पेशेंट कंटिन्यूअसली हॉकिंग करता रहेगा ऑफ द प्रोफ्यूज म्यूकस, क्योंकि म्यूकस यहाँ पे है, सो इट कंटिन्यूअसली हॉक्स ऑफ द प्रोफ्यूज म्यूकस. लास्ट में क्या होगा कि मरीज इतना खांस रहा है तो उसके बाद वो सफोकेशन फील करने लग जाएगा, उसका दम घुटने लग जाएगा मरीज का. तो ये जो सिम्टम है ये काफी इंपॉर्टेंट है कोरेलियम रूब्रम के, जो हमें पता होना चाहिए. और सिंपली ये जो मैंने आपको बताया ये एक तरीके के सिम्टम वूपिंग कफ के हैं. सो वूपिंग कफ अगर है सो उसकी अच्छी दवाई है कोरेलियम रूब्रम. ऐसे बहुत सारी दवाइयां आती हैं लेकिन वन शुड रिमेम्बर अबाउट दिस मेडिसिन ऑल. अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम देखते हैं हर दवाई में कुछ ना कुछ क्रेविंग होती है, तो यहाँ पर जो क्रेविंग है वो मरीज को सॉल्ट की है, तो ये जानना बहुत जरूरी है. अगर मरीज हमें ये बोलता है कि उसको सॉल्ट की क्रेविंग है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक करती है नेट्रोम्यूर, बट देयर आर मेनी अदर रेमेडीज दैट क्रेव सॉल्ट. अगर हम रेपर्टरी में जाके देखें तो हमें पता चलेगा
कि कौन सी दवाइयां हैं जिनमें सॉल्ट की क्रेविंग है. सो दिस मेडिसिन ऑल्सो हैज द क्रेविंग फॉर द सॉल्ट. और साथ में इसकी जो अडर्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए अगर कोई मरीज सफर कर रहा है जिसको नॉस्ट्रल की कोई दिक्कत है या फिर थ्रोट की कोई दिक्कत है, सबसे पहले उसके जो सेंसेस हैं वो काम करना बंद कर जाते हैं. वो मरीज ऐसे बोलता है कि मेरे को अगर किसी को जुकाम भी लगी तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है, या गला खराब हुआ तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है. तो बट दे हैव द स्ट्रांग सेंस ऑफ द स्मोक, यानी कि अडर्स उनको स्मोक की आएगी, अनियंस की आएगी. तो ये जो है ये बहुत स्पेसिफिक है कि अडर्स ऑफ द स्मोक एंड द अनियंस दैट इज प्रेजेंट इन द कोरेलियम रूब्रम. नाउ इट इज अ गुड मेडिसिन फॉर द सोरियासिस ऑल्सो, सोरियासिस ऑफ द पाम्स एंड द सोल्स. जो आपकी हथेलियां हैं और जो पत्तलियां हैं उनके लिए, उसमें जो सोरियासिस होता है उसकी बहुत अच्छी दवाई है. अब इसकी जो स्किन है वो कैसी दिखेगी, कोरल कलर्ड हो जाती है, डार्क रेड स्पॉट्स हो जाते हैं जो स्किन है उसके ऊपर, और दैट डार्क रेड स्पॉट्स चेंजेस टू दी कॉपर कलर्ड स्पॉट, यानी कि डार्क रेड से वो कॉपर कलर्ड स्पॉट्स में कन्वर्ट जाते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर द टेज वीडियो, दैट्स ऑल फॉर द कोरेलियम रूब्रम. एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस मेडिसिन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी ऑफ द टॉपिक डिस्कस्ड इन द होम्योपैथी यू कैन ऑल्सो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग द वीडियोज. थैंक्स फॉर वॉचिंग.